नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं जीकेम फ्यूज के बारे में। रिसेंटली जीकेम फ्यूज का जो बिल्ड है उसे हमने इंस्टॉल किया है अपने MIUI डिवाइस के अंदर, एंड जीकेम फ्यूज का जो वर्जन है 2.0 है। अभी फिलहाल हमारे पास जो MIUI डिवाइस है उसके ऊपर हमने MIUI 12 को इंस्टॉल कर रखा है, एंड ये जो बिल्ड है दोस्तों इस बिल्ड के अंदर हमें एंड्रॉइड 10 देखने को मिलता है। तो ये जो गूगल कैमरा है एंड्रॉइड 10, एंड्रॉइड 9, एंड्रॉइड 11, एंड्रॉइड 12 के ऊपर भी काम कर जाएगा। MIUI, Realme UI, Samsung, OnePlus सभी के ऊपर ये जो गूगल कैमरा है काम करेगा। तो इसका जो आइकॉन है कुछ इस तरह से है, काफ़ी डिफरेंट हमें आइकॉन देने को मिल जाती है। उसके अलावा भी हमने बहुत सारी गूगल कैमरा को इंस्टॉल कर रखा है, देख सकते हो इस तरह से हमें जीकेम फ्यूज का जो आइकॉन है देने को मिलता है। यूजर इंटरफेस की बात करूँ कुछ इस तरह से हमें यूजर इंटरफेस देने को मिल गया है, एंड यहाँ पर जो है जीकेम फ्यूज का जो मतलब लेटर में लिखा भी आ जाएगा। तो देख सकते हो काफ़ी बड़ी है, यहाँ पर कैमरा लिखा आता है उसके बदले में यहाँ पर जीकेम फ्यूज लिखा गया है। यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड का भी ऑप्शन है, नाइट साइड मोड का भी ऑप्शन है, ये भी देखने को मिलता है। ये दोस्तों गूगल कैमरा का एक मॉडिफाइड वर्जन है, एंड एक काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, एंड काफ़ी जो है डिवाइस के अंदर ये जो गूगल कैमरा है काम कर जाएगा। इस डिवाइस के साथ हमने बहुत सारी पिक्चर को भी क्लिक किया है, पिक्चर की क्वालिटी जो हमें देखने को मिला है काफ़ी बढ़िया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकॉन को दबा के और सेलेक्ट कर देना, इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको HDR मोड, HDR एनएस मोड का ऑप्शन है, गूगल का ऑटो हाइड बैलेंस ऑप्शन है। यहाँ पर आप इमेज क्वालिटी के अंदर लो, मीडियम एंड जो हाई भी कर सकते हो। यहाँ पर जो इमेज क्वालिटी है उसके अंदर HDR क्वालिटी को भी आप चूज कर सकते हो। मोशन के अंदर ऑन ऑफ का जो ऑप्शन है ये भी देखने को मिल जाएगा। ऑटो मोड जो है ऑटो मोशन भी देखने को मिल जाती है। टाइमर का जो ऑप्शन है ये भी देखने को मिलता है। वीडियो एडिटिंग की अगर बात करूँ तो यहाँ पर वीडियो के अंदर हमें 24fps, 30fps, 60fps का ऑप्शन है, बट 4K का जो ऑप्शन है आपको सेटिंग्स में जाके अलग से एनेबल करना होगा। एंड यहाँ पर मोड के अंदर पैरोरमा, फोटोस्पेस, स्लो मोशन एंड टाइम लैप्स का ऑप्शन देने को मिल जाती है। ऑफकोर्स जो स्लो मोशन मोड है शायद ही काम करेगा, एक बार टेस्ट करके देखते हैं। तो स्लो मोशन मोड यहाँ पर काम कर रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग बात है, देख सकते हो यहाँ पर जो है स्लो मोशन मोड के साथ हमने वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया है, बट 1/8x करने में जो स्लो मोशन मोड है दोस्तों यहाँ पर हमारा बंद हो जाता है। पैरानोमा की बात करूँ तो यहाँ पर पैरानोमा के साथ भी देख लेते हैं कैसा होता है। तो हम यहाँ पर 1x के साथ करते हैं, ओके। पैरानोमा भी यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, पैरानोमा भी यहाँ पर क्रैश हो चुका है, कोई बात नहीं। यहाँ पर वीडियो रिंग के अंदर जो 60fps का ऑप्शन है उसके साथ वीडियो को रिकॉर्ड करके देखते हैं कैसा होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो हमने 60fps के अंदर स्विच कर लिया है, एंड आई होप यू कैन सी इट। 60fps करने के बाद फोन जो है हमारा ब्लैक हो चुका है, ब्लैक स्क्रीन का जो इशू हमें देने को मिल गया है। तो कोई बात नहीं, सिंपली फिर से जो है यहाँ पर कैमरा एप्लीकेशन को हमें यहाँ पर रीस्टार्ट करना होगा। एंड अभी जो है वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर हम 30fps के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं, एंड हमारा जो वीडियो है दोस्तों पर फ्रीज हो चुका है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ये जो गूगल कैमरा है इसके अंदर हमें इशू देने को मिल रहा है। पोर्ट्रेट मोड की अगर बात करूँ दोस्तों, ये जो बिल्ड है इस बिल्ड के अंदर पोर्ट्रेट मोड जो फोटो आती है काफ़ी बढ़िया है। अगर आपके पास वीवो का फोन है तो वीवो X60 डिवाइस के अंदर तो काफ़ी बढ़िया पोर्ट्रेट मोड वाली पिक्चर को आप क्लिक कर सकते हो इस गूगल कैमरा को यूज़ करके। अगर आपके पास वीवो का फोन है, ओप्पो का फोन है, सैमसंग का फोन है, तो आपको काफ़ी बढ़िया जो है फोटो क्वालिटी देने को मिल जाएगा इस बिल्ड के अंदर, एंड इस बिल्ड को आप ट्रेलर से ट्राई करके देखना अगर आपके पास वीवो का फोन है। तो यहाँ पर आपको फेस रिटचिंग का जो ऑप्शन देने को मिलता है। HDR मोड आपको पोर्ट्रेट मोड के अंदर भी देने को मिल जाएगा, सेम इमेज क्वालिटी भी आप यहाँ से चूज कर सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है, एंड पोर्ट्रेट मोड जो है काफ़ी बढ़िया काम करता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है नाइट स्लाइट मोड, एंड नाइट स्लाइट मोड के अंदर आपको डेडिकेटेड एस्ट्रो फोटोग्राफी बटन भी देखने को मिल गया है, देख सकते हो यहाँ पर डेडिकेटेड जो एस्ट्रो फोटोग्राफी बटन है ये भी देखने को मिल जाती है। अगेन यहाँ पर भी आपको गूगल का ऑटो हाइड बैलेंस, उसके बाद जो इमेज क्वालिटी है वो भी आप चूज कर पाओगे, जो कि काफ़ी बढ़िया है। एंड यहाँ पर आपको जो टाइमर का ऑप्शन है वो भी देखने को मिल गया है। फोकस के लिए यहाँ पर ऑटो, उसके बाद माइक्रो एंड फार एज वेल इन्फिनिटी का ऑप्शन है। तो अगर आप माइक्रो फोटोग्राफी करना चाहते हो तो उसका जो ऑप्शन है वो भी देखने को मिल जाती है। देखिए पा रहे हो यहाँ पर जो है माइक्रो मोड का जो ऑप्शन है ये भी देखने को मिलता है। देखो माइक्रो मोड में ऑटोमेटिकली स्विच कर लिया है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। तो यहाँ पर माइक्रो मोड का जो ऑप्शन है उसे भी यहाँ पर ऐड कर दिया गया। नाउ दोस्तों बात कर लेते हैं पिक्चर संभल के बारे में। जितने भी पिक्चर आप देखने वाले हो सभी पिक्चर को हमने यहाँ पर MIUI डिवाइस के साथ ही क्लिक किया है, एंड पिक्चर की जो क्वालिटी है वो कैसी है जरूर से कमेंट करके बोल देना। हमारे को जो पिक्चर क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया देने को मिल गया है। पिक्चर क्वालिटी के अंदर कोई भी दोस्तों यहाँ पर इशू नहीं है, एंड यहाँ पर जो शार्पनेस, जो डिटेलिंग जो हमें देने को मिला है काफ़ी बढ़िया है। सभी पिक्चर्स को हमने MIUI डिवाइस के साथ बैक कैमरे के साथ क्लिक किया है आउटडोर में, एंड सनलाइट भी काफ़ी था। तो ओवरऑल सभी जो पिक्चर्स है हमारे को काफ़ी बढ़िया देने को मिल गया है, एंड पिक्चर के अंदर कलर भी काफ़ी बढ़िया है, सैचुरेशन भी काफ़ी बढ़िया है। गूगल कैमरा 8.3 के अंदर जिस तरह से हमें पिक्चर देने को मिलता है ऑलमोस्ट सिमिलर आपको यहाँ पर जो है पिक्चर क्वालिटी देने को मिल जाएगी। पिक्चर क्वालिटी के अंदर कोई भी इश्यू वाली बात नहीं है। सबसे बढ़िया बात है इस ये जो कैमरा एप्लीकेशन है, इस कैमरा एप्लीकेशन के अंदर आपको जो
HDR मोड है काफ़ी बढ़िया देने को मिलते हैं, HDR एनहांस मोड काफ़ी बढ़िया है, आपको गूगल का ऑटो हाइड बैलेंस का जो ऑप्शन है वो भी देने को मिल जाएगा। एंड सभी पिक्चर को हमने HDR ऑन मोड के साथ ही क्लिक किया है जो कि काफ़ी बढ़िया है। एंड यहाँ पर जो पोर्ट्रेट मोड है वो काफ़ी बढ़िया है, पोर्ट्रेट मोड के अंदर आपको DSLR लाइक जो है पोर्ट्रेट देने को मिलता है। अगर आप पोर्ट्रेट मोड के साथ फोटोज को क्लिक करोगे आपको जो बुके देखने को मिलेगा काफ़ी बढ़िया है, इवन नॉर्मल फोटो के अंदर जो आपको बुके देखने को मिलता है काफ़ी बढ़िया है। एंड जो पोर्ट्रेट मोड के अंदर आपको क्वालिटी देखने को मिलता है काफ़ी बढ़िया है, आपको ऑलमोस्ट जो DSLR लाइक क्वालिटी देखने को मिल जाएगी इस गूगल कैमरा के अंदर जो कि काफ़ी बढ़िया मेरे को लगी है। ओवरऑल इस गूगल कैमरा को आपको डेफिनेटली ट्राई करके देखना चाहिए। इस गूगल कैमरा का जो डाउनलोड लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाकर आप इस गूगल कैमरा को ट्राई करके देख सकते हो। आपको जो ओवरऑल एक्सपीरियंस देने को मिलेगा इस गूगल कैमरा के साथ काफ़ी बढ़िया है, सभी जो पिक्चर्स है हमारे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी है, आपको कैसा लगा जरूर से कॉमेंट करके बोल देना। सिंपली चलते हैं सेनिस के अंदर, सेनिस को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। देख सकते हो जीकेम फ्यूज करके लिखा गया है। एंड सबसे पहले यहाँ पर हमें जो लोकेशन है उसे सेव करने का ऑप्शन देने को मिलता है, कैमरा साउंड को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है, सेव सेल्फी सेस व्यू का ऑप्शन देने को मिल जाएगा, सोशल शेयर की जो ऑप्शन है उसे भी ऐड करके दिया गया है। यहाँ पर आप तीन एप्लीकेशन के अंदर डायरेक्टली जो है गूगल कैमरा से ही फोटोज को शेयर कर पाओगे। यहाँ पर आपको जो ग्रिड टाइप का ऑप्शन है ये भी देने को मिल जाती है, एडवांस ऑप्शन को भी यहाँ पर ऐड किया गया है, HDR कंट्रोल का ऑप्शन है, रॉम इमेज का सपोर्ट देने को मिलता है। यहाँ पर जो थर्ड पार्टी गैलरी एप्लीकेशन है उसे भी आप यूज कर सकते हो, मैक्सिमम स्क्रीन ब्राइटनेस का ऑप्शन है, पोर्ट्रेट मोड के अंदर जो जूम होता है उसे बंद कर सकते हो, एंड आप डायरेक्टली जो पोर्ट्रेट मोड वाली फोटो है सेव कर सकते हो इस फोल्डर के अंदर। एंड यहाँ पर आपको बैक कैमरा के लिए पिक्सल 4XL तक जो है मॉडल आपको देने को मिलता है, ISO का जो टाइम है XDR प्लस के लिए उसको भी आप चेंज कर सकते हो। एंड देख सकते हो बैक कैमरा के लिए फ्रंट कैमरा के लिए अलग अलग होगा, एंड एस्ट्रो मैक्स एक्सपोजर टाइम का भी ऑप्शन देने को मिलता है, एंड एक्सपोजर के लिए भी अलग से आपको जो है सेटिंग्स देने को मिल गया है। ओवरऑल ये जो गूगल कैमरा है काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पर इस बिल्ड के अंदर देखने को मिल जाएगी। लीक पिक्चर भी देखने को मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हो आपका जो फ्रंट कैमरा है उसके लिए अलग अलग जो सेटिंग्स उसे अप्लाई कर सकते हो, आपका शार्पनेस, ISO, नॉइस प्रोसेसिंग, इमेज फॉर्मेट, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन है, सभी ऑप्शंस को यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। ऑटो हाइड बैलेंस का जो ऑप्शन है ये भी आपको देखने को मिलेगा। सिमिलरली दोस्तों आपको जो टेलीफोटो लेंस है उसके लिए अलग अलग ऑप्शंस को सेट कर सकते हो, एज वेल आपका जो वाइड एंगल लेंस है, आपका जो बैक कैमरा फ्रंट कैमरा के लिए अलग अलग जो ऑप्शन है उसे आप सेट कर सकते हो जो कि काफ़ी बढ़िया है। आपका जो लिप पिक्चर का मतलब है दोस्तों फोटो को क्लिक करने से पहले ही फोटोज के अंदर जो अपना इफेक्ट है एंड उसे आप अप्लाई कर सकते हो जो कि काफ़ी बढ़िया है। एंड यहाँ पर आपको इफेक्ट एंड फिल्टर का जो ऑप्शन है वो भी देने को मिलता है, आप चाहो तो फोटोज को क्लिक करने से पहले ही फिल्टर को अप्लाई कर सकते हो। देख सकते हो इतनी सारी जो ऑप्शंस आपको देने को मिल जाती है, सैचुरेशन, ब्राइटनेस, शार्पनेस, स्मूथ करने का जो ऑप्शन है वो भी देने को मिल गया है। यहाँ पर आपको फोकस सेटिंग्स भी देने को मिलता है, फोकस ट्रैकिंग का ऑप्शन देने को मिल जाएगा, नाइट स्लाइट मैनुअल फोकस के लिए जो है अलग सेटिंग्स भी यहाँ पर ऐड किया गया है, आप चाहो तो मैनुअली फोकस भी कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों फिर से चलते हैं सेटिंग्स के अंदर, एंड सेटिंग्स में देख सकते हो काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ पर आपको व्यू फाइंडर का जो बटन है उसे भी ऐड किया गया है, अलग अलग जो बटन है उसे भी हम यहाँ पर से ऐड कर सकते हो। तो सिंपली जितने भी बटन से सभी को हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है बटन हमें देने को मिल जाएगा गूगल कैमरे को रिसेट करने के बाद। तो जल्दी से जो है गूगल कैमरे को हमने रिसेट कर लिया है, देख सकते हो अलग अलग जो ऑप्शन है वो देखने को मिलता है, अलग अलग जो बटन से हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है, आई होप यू कैन सी इट। देख सकते हो यहाँ पर जो है अलग अलग जो बटन से देखने को मिल गया है। तो ये सभी जो ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट आपका एनेबल नहीं रहता है, आपको जो है सेटिंग्स मेनू में जाके एनेबल करना होगा। HDR का ऑप्शन है, आपको फ्यूज मोड है, तो काफ़ी बढ़िया है। इस गूगल कैमरे को आप डेफिनेटली ट्राई करके देख सकते हो। एंड आपको जो इस गूगल कैमरे के अंदर जो बुक के इफेक्ट देखने को मिलता है काफ़ी बढ़िया लगा है मेरे को। एंड आपको यहाँ पर ऑक्सिलरी कैमरे का जो सेटिंग्स वो भी देने को मिलता है, मल्टीपल लेंस को आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो, टेलीफोटो लेंस का सपोर्ट है, वाइड एंगल लेंस का सपोर्ट है। एंड देख सकते हो यहाँ पर जो है हाइस्ट ऑफ 5 कैमरा तक आप चाहो तो यहाँ से ऐड कर सकते हो जो कि काफ़ी बढ़िया है। तो आपको मल्टीपल कैमरा का जो सपोर्ट है वो भी इस बिल्ड के अंदर देने को मिल गया है। 4K वीडियो का जो सपोर्ट है वो भी देने को मिलता है, 4K वीडियो का सपोर्ट है, फुल HD वीडियो का सपोर्ट आपको देने को मिल जाएगा। 4K टाइम लैप्स का जो ऑप्शन है उसे भी ऐड करके दिया गया है, वीडियो सिमुलेशन का ऑप्शन है, OIS का जो ऑप्शन है उसे भी ऐड किया गया है। बिट रेट को आप चाहो तो 100 MBPS तक कर सकते हो। डू नॉट डिस्टर्ब मोड भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एंड इन्फो की बात करो देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको ये जो बिल्ड है देखने को मिल गया है। ये जो बिल्ड है दोस्तों काफ़ी सही है, डेफिनेटली इस बिल्ड के अंदर अगर आप मतलब ये जो बिल्ड है इस बिल्ड के साथ आप जो पिक्चर को क्लिक करोगे आपको जो फोटो क्वालिटी देखने को मिलेगी काफ़ी बढ़िया है। गूगल कैमरा 8.3 की बराबर आपको इस ये जो कैमरा एप्लीकेशन है आराम से कर सकते हैं, आपको एक्सपीरियंस जो है इस गूगल कैमरा के साथ काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। ये सब जो ऑप्शन है उसके साथ इस गूगल कैमरा का जो एक्सपीरियंस है और भी बढ़िया हो जाता है। एंड डेफिनेटली ये जो कैमरा है इसे ट्राई करके देखो। ये जो गूगल कैमरा है काफ़ी सही है, इस गूगल कैमरा के अंदर आपको दोस्तों काफ़ी बढ़िया पोर्ट्रेट मोड देने को मिलता है, एंड बुके भी जो है काफ़ी बढ़िया है, शार्पनेस भी काफ़ी बढ़िया देने को मिल जाएगा। एंड इस गूगल कैमरा का जो सपोर्ट है वो भी काफ़ी बढ़िया है, एंड्रॉइड 9 से शुरू करके एंड्रॉइड 12 तक आपको जो है इस गूगल कैमरा के अंदर जो है सपोर्ट देने को मिलता है जो कि काफ़ी लाजवाब है। अगर आपको एक
बेहतरीन गूगल कैमरा चाहिए तो इस गूगल कैमरे को ट्राई करके देख सकते हो। बट कुछ कुछ चीज़ें ऐसी स्लो मोशन काम नहीं करते, टाइम लैप्स काम नहीं करते, ये सभी चीज़ को अगर आप छोड़ दोगे तो ये गूगल कैमरा काफ़ी बढ़िया है। एंड 4K के अंदर 60fps का जो सीन है वो कुछ इस तरह से है। अगर आपके डिवाइस के ऊपर 4K 60fps का सपोर्ट है तभी दोस्तों 4K 60fps के अंदर जो है वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे, वरना 4K 60fps के अंदर वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। ओवरऑल ये गूगल कैमरा है, इस गूगल कैमरा का जो डाउनलोड लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाकर इस गूगल कैमरा को आप ट्राई करके देखो एंड आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोल देना। एंड वीडियो को जरूर से पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।